ब्लॉग कोर्स के सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने अपने ब्लॉग के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं। ठीक है, पेजेस बनाए बगैर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने वाला। 90% चांसेस ये है कि अगर आप पेजेस नहीं बनाते आपको अप्रूवल नहीं मिलता। 10% चांसेस है विदाउट पेजेस आपको एडसेंस का अप्रूवल ले ले। यहाँ पे हम कोई रिस्क नहीं लेने वाले, इसलिए हमने 100% यही ट्राई करना है कि हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिले। उसके लिए आपने पेजेस क्रिएट करने हैं। अब पेजेस आप लोगों ने कैसे बनाने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं, प्रैक्टिकली करके दिखाने लगा हूं। वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। चलो बगैर टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करें। लेकिन उससे पहले यही कहूंगा, चैनल पे पहली दफा आए हो अभी कभी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक आ सके। सब्सक्राइब के बटन को चाहे तोड़ो, चाहे फोड़ दो या फिर आगे लगा दो, मुझे कोई इशू नहीं, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलो यहाँ पे वीडियो को शुरू करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा ब्लॉग कोर्स का, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। ब्लॉग कैसे बनाते हैं, डोमेन कैसे लगाते हैं, सारी चीज़ें उसमें मैंने आपको बता दी है। ब्लॉग की सेटिंग कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो जाके उस वीडियो को लाजमी से देख लेना। अब यार क्लास टू के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेजेस कैसे बनाने हैं। देखो ब्लॉगर पे आ जाते हो, पेजेस पे आ जाते हो, अब आपने यहाँ पे चार पेजेस बनाने हैं। उन पेजेस से आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, उन पेजेस से आपको क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं, आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, जिसके लिए आप ब्लॉग बना रहे हो, जिसके लिए आप काम करना चाहते हो, जिसके थ्रू आप लोग अर्निंग करोगे, पैसे कमाओगे, मनी मेकिंग काम यानी कि आप कैसे करोगे। ओके हो गया, अब आपने पेजेस बनाने हैं, वो कैसे बनाने हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने आ जाना है अर्निंग्स के नीचे पेजेस पे, देन आपने न्यू पेज के बटन पे प्रेस करना है। ठीक है, आपने पोस्ट पे नहीं जाना, पेजेस में आना है। यहाँ पे आपने टाइटल देना है कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये आपने टाइटल दे दिया। यहाँ पे अब आपने क्या लिखना है, क्या करना है, कैसे पेज बनाना है कॉन्टैक्ट अस का, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने न्यू टैब में आ जाना है। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपने यहाँ क्लिक करना है, ये जो गूगल ऐप्स है यहाँ पे प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे आपको गूगल डॉक्स मिलते हैं। देखो डॉक्स, शीट्स के साथ डॉक्स, तो आपने यहाँ पे आ जाना। यहाँ आ जाओगे तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती है। सबसे ऊपर ये थ्री लाइंस है मेन मेन्यू की, यहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे फॉर्म्स है, स्लाइड्स के नीचे फॉर्म्स, तो आपने फॉर्म्स पे क्लिक कर देना। यहाँ क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे बना बनाया एक पेज ले लेना है। ठीक है, बना बनाया ले लेना है, यहाँ पे चाहे ये ले लो ये ले लो। देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो आपने इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसे एडिट वगैरह कुछ नहीं करना, आपने इसे ऐसे ही रहने देना है। इसके लिए आप लोगों ने आ जाना है यहाँ, देखो सेंड के बटन पर यहाँ पर प्रेस करोगे तो देखो इस तरह से ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहाँ पर ये लिंक है, देखो ये लिंक है, अगर लिंक लगाना चाहो लिंक लगाओ, लेकिन आपने इस पेज को कैसे लगाना है देखो, ये साथ एम्बेड का ये सिंबल होता है। ठीक है, एम्बेड HTML, ये एम्बेड कोड है, तो आपने इस कोड को सिंपली यहाँ से कर लिया कॉपी। देखो कॉपी लिखा हुआ, यहाँ से कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो एडिट का बटन है सबसे ऊपर, देखो ये एडिट का एक पेंसिल का बटन है, यहाँ प्रेस करो। अभी आपके सामने कंपोज व्यू है, कंपोज व्यू में आप लोग टाइप करके कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने कंपोज व्यू में नहीं जाना, HTML के अंदर जाना। यहाँ क्लिक करो, HTML व्यू में आ जाओ। अब यहाँ पे आपको कोडिंग देखने को मिलेगी, तो आपने सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, जो कोड कॉपी किया पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आगे फिर से पेंसिल पे कंपोज व्यू पे आ गए तो देखो आपको इस तरह से एक डिस्प्ले मिल रहा है, देखने को कुछ नहीं मिल रहा लेकिन डिस्प्ले इस तरह से मिल रहा है। अब आप लोगों ने अब क्या काम करना है, देखो यहाँ पब्लिश है तो यहाँ पब्लिश के बटन पर प्रेस कर देना। अब यहाँ पे कन्फर्म है तो कन्फर्म के बटन पर प्रेस कर देना। आपके ये पेज बन गया। अब ये पेज आपको कैसा शो हो रहा है देखो, व्यू के ऊपर अगर जाके मैं आपको दिखाऊं, ये एक इस तरह से आपके सामने फॉर्म आ गया। ठीक है, ये फॉर्म आ गया कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म, कोई बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा तो यहाँ पे कर सकता है कॉन्टैक्ट। ओके फाइन, अब आप लोगों ने सेकेंड पेज कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड पेज न्यू पेज पर प्रेस किया, यहाँ टाइप कर दिया आपने प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, इतना टाइप किया, न्यू टैब के अंदर आ गए। न्यू टैब में आने के बाद आप गूगल पे आ गए, यहाँ आके आपने टाइप किया, क्या टाइप किया, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर।
अब मैं आपको बता दूं, फ्री के कोर्सेज में भी आपको यही चीज मिलेगी कि पेजेस ये वाले आपने यहां से यानी बनाने हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पेजेस आपने यहां से ही बनाने हैं, आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, बाकी की चीजें आपको प्रो वाली मिलेगी कोर्स के अंदर। ओके हो गया, अब मैं आपको बता दूं आपने कंप्लीट फॉलो करना है, जिस तरह से मैं पेज बना रहा हूं आपने उसी तरह से बनाना है अगर आपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है। योर कंपनी नेम, तो आपने अपनी कंपनी नेम दे देना, यहां पे हमने अपनी कंपनी का नेम दे दिया, क्या नेम दिया, जो कि हमारी साइट का नेम है, प्रोडक्ट्स टू बाय, इतना नेम दिया। यहां योर वेबसाइट नेम वो भी यही दे दिया, एंटर वेबसाइट यूआरएल, यहां पे आगे साइट पे ब्लॉग पे ओपन न्यू टैब कर दिया, यहां व्यू ब्लॉग है, ठीक है आपका ये व्यू ब्लॉग है, यहां पे राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक एड्रेस पे प्रेस किए, यहां पे आ गए अगेन एंटर वेबसाइट यूआरएल के अंदर हमने अपना ये यूआरएल पेस्ट कर दिया, देन नेक्स्ट के बटन पे प्रेस किया। अब देखो डू यू यूज कुकीज, हमने कर दिया यस। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस और योर वेबसाइट, यस हमने करनी है। ओके डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज, तो यहां पे आपने नो करना है, आपने यहां इनको बताना है कि हम गूगल एडसेंस के अलावा कोई भी एड नेटवर्क यूज नहीं करने वाले, नो के बटन पे लाजमी से आपने प्रेस करना है, देन नेक्स्ट के बटन पे प्रेस कर दो, यहां आके अपनी कंट्री ऐड कर दो, इंडिया है पाकिस्तान है कोई भी कंट्री ऐड कर दो, देन आप यहां पे स्टेट भी डिफाइन कर दो, देन यहां पे अपनी ईमेल लगा दो, कोई भी एक ईमेल लगा दो, मैं यहां फालतू वाला ईमेल लगा देता हूं, तो आप भी कोई भी एक ईमेल लगा दो, यहां पे जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी, ये वो ईमेल है जो मैं कभी ओपन भी नहीं करता, तो आपने ईमेल लगा दिया। यहां पे देखो इस तरह से आपका ये पेज बनाया, कॉपी टेस्ट टू क्लिपबोर्ड, ऊपर वाला नहीं करना नीचे वाला करना है, ये जो कोडिंग टाइप है ठीक है, ये देखो कॉपी टेस्ट टू क्लिपबोर्ड यहां पे प्रेस किया, आपका टेस्ट कॉपी हो गया। अब आप आ गए अपने ब्लॉगर पे, अगेन आ गए यहां पे एचटीएमएल व्यू के अंदर, यहां पे पेस्ट कर दिया अपना सारे का सारा टेस्ट, यहां अगेन ड्रॉपडाउन पे प्रेस किया, कंपोज व्यू यहां पे प्रेस कर दिया, तो देखो आपका ये पेज पूरे का पूरा रेडी है, आपकी वेबसाइट का लिंक भी यहां पे आ गया और आपकी वेबसाइट का नेम भी यहां पे आ गया, लेकिन ये नेम रिडायरेक्ट करेगा इस वाली वेबसाइट के ऊपर, तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, वो कैसे करना है, लिंक के ऊपर आओगे, यहां पे आके देखो एक क्लिक करोगे तो इस तरह से बटन आ जाएगा, यहां ये रिमूव लिंक है तो यहां पे प्रेस कर दो, ये लिंक रिमूव हो गया। उसके बाद स्क्रोल डाउन करो, यहां एक और भी लिंक आते हैं तो यहां इनको भी इसी तरह से रिमूव करते जाओ, क्लिक करो देन रिमूव लिंक के बटन पर प्रेस करो, लिंक रिमूव हो जाएगा। ओके हो गया, देन आप लोगों ने क्या काम किया, यहां पब्लिश कर दिया, पब्लिश कर दिया, ये आपका पेज अब कैसा आया वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो इस तरह से ये पेज आपका बन गया प्राइवेसी पॉलिसी का, ठीक है ये आपने इस तरह से बना लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम किया, यहां पे न्यू पेज पे आ गए, देन आप लोगों ने यहां पे टाइप किया, टाइटल के अंदर आके टाइप कर दिया आपने डिस्क्लेमर, देन आप आगे न्यू टैब में, न्यू टैब में आने के बाद आपने यहां टाइप किया डिस्क्लेमर जनरेटर, टाइप करके एंटर कर दो डिस्क्लेमर जनरेटर डॉट नेट है तो यहां पे इस पर क्लिक कर दो, ये भी सेम है। तो यार आपने सेम वे सेम तरीका यूज करके इस पेज को भी बना लेना, मैं वीडियो पॉज करता हूँ ये बनाने के बाद बताता हूँ आप। ये देखो ये पेज भी हमारा यहाँ पे बन चुका है, हमने यहाँ पब्लिश कर दिया, इसको भी कंफर्म कर दिया, तो हमारा डिस्क्लेमर वाला पेज भी बन गया, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी भी बन गया, कॉन्टैक्ट अस भी बन गया। अब आपने यहाँ पे अबाउट अस का पेज बनाना है, वो आपने कैसे बनाना है, सेटिंग्स पे आपने आ जाना, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन को किया यहाँ से कॉपी, अगेन आगे पेजेस पे, पेजेस पे आने के बाद न्यू पेज पे प्रेस किया, यहां लिख दिया अबाउट अस, देन आपने यहां पे कंपोज में ही रहना है, कंपोज में आपने अपना ये टेस्ट यहां पे पेस्ट कर देना जो आपने कॉपी कर रखा है, ठीक है यानी कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है आपने यहां पे लगा देनी है। उसके बाद आपने यहां पे टाइप करना है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी क्वेरी और इशू, ठीक है इतना टाइप करने के बाद एट आगे आपने अपना कोई ईमेल दे देना, ठीक है कोई भी एक ईमेल दे दो, ठीक है तो आपने ईमेल देने के बाद यहाँ पे आगे पब्लिश के बटन पर प्रेस कर देना कंफर्म,
तो यहाँ पे हमारे पेजेस भी बन गए, अब हमने क्या काम करना है। आई होप यार आपने इस वीडियो को देखा, वीडियो को एंजॉय किया, जो जो मैंने आपको बताया आपने एक एक स्टेप यहाँ पे फॉलो किया। तो अगर आपका ब्लॉग बन गया, उसके पेजेस आपने बना लिए, तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई क्वेरी या कोई कमेंट्स या कुछ पूछना चाहते हो तो यार वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता देना। इसके अलावा पर्सनली कोई बात करनी है, कुछ पूछना भाई से, इंस्टाग्राम का यूआरएल यहाँ पे आ रहा है, जाओ इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो, मैसेज करो।